मैंने मोटरसाइकिल 35,000 किलोमीटर्स चला लिया, 35,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये मैं बस एक टेस्ट राइड लेकर नहीं बता रहा आपको, टॉप लाइक्स एंड टॉप डिसलाइक्स। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के राइडर हो, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, आपकी राइडिंग प्रेफरेंसेस क्या है, आप क्रूजिंग प्रेफर करते हो, रेसिंग प्रेफर करते हो, आपका बॉडी वेट कितना है, फिटनेस को लेकर कितना सीरियस हो, मैं ये सब नहीं जानता। तो मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस वीडियो के अंदर। इस चीज़ को ना हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं मतलब ना चाहता हूँ आप इस बात को एक बार सोचो, आप कभी भी कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हो तो ना, जैसे ना खाने में नमक होता है ना, जब नमक होता है तो पता नहीं चलती उसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन जब नहीं होता ना तब बड़ा इंपॉर्टेंस पता चलता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जावा 42 बॉबर चलाई, मैंने अभी रिसेंटली इंटरसेप्टर GT 650 चलाई, लाइफ थोड़ी सी काइंड रही है। दोनों मोटरसाइकिल्स में ना मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आया कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उस मोटरसाइकिल को, भले वो बॉबर हो भले वो GT 650 हो। हाँ मैं ही चला रहा था उसको, लेकिन एक होता है ना अंदर से कि आप कंट्रोल में हो मोटरसाइकिल के, आप कुछ भी कर सकते हो उस मोटरसाइकिल के साथ, यू कैन रिलाई ऑन दैट मोटरसाइकिल, वो वाली फीलिंग नहीं आई थी। जैसे मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ, जो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग होती है ना मोटरसाइकिल की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। किसी भी मोटरसाइकिल के बारे में हम अपना ओपिनियन देते हैं ना तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। देखो अभी रास्ता कैसा है, यहाँ पे ट्रैक्शन लूज होता है, पीछे वाला टायर स्किड होता है, बट मोटरसाइकिल बहुत स्टेबल है। मतलब आपको पूरे टाइम ऐसा लगेगा कि आप कंट्रोल में हो मोटरसाइकिल के। आप 10 की स्पीड पर हो, आप 120 की स्पीड पर हो, आप 140 की स्पीड पर हो, आप कंट्रोल में हो इस मोटरसाइकिल के। इसको चलाता हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। वो मेरा फर्स्ट लाइक है इस मोटरसाइकिल को लेकर, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी हैंडलिंग, इसका कंट्रोल जो है ना बहुत मस्त है। चुपक के चलती है रोड से, चुपक के, रगड़ना चाहूँ तो रगड़ के चला लूँ, ऐसे कैजुअली चलाना चाहूँ कैजुअली चला लूँ। ये देखो सुबह सुबह स्पैम कॉल्स शुरू हो गए, बट एनीवे कोई प्राइवेसी ही नहीं बची लाइफ में। अब ना डिसलाइक बताता हूँ मैं इसकी, जो मुझे सबसे बड़ा डिसलाइक है, जो पर्सनल ग्राइप है इस मोटरसाइकिल को लेकर, वो ये है ना कि होंडा ने ना कॉपी कर दिया रॉयल एनफील्ड को। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से एनफील्ड जैसे बनाता था क्लासिक 350, जैसे बनाता था बुलेट, उसी तरह का इंजन डाल दिया, उसी तरह का रेशियो डाल दिया, उसी तरह का मतलब एक फील डाल दिया। थंप जिसके ऊपर वो खेल रहे हैं वो भी रॉयल एनफील्ड का ही बना हुआ है। हाँ माना 120 की स्पीड तक ये रॉयल एनफील्ड से फास्ट है, इसका एक्सेलरेशन उससे ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी उससे अच्छी है, इसका कंट्रोल उससे अच्छा है, इसके ब्रेक्स उसके अच्छे हैं। हर मामले में ये मोटरसाइकिल मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड की 350 सीरीज में, हंटर हो, क्लासिक हो, बुलेट हो, जो भी हो, उससे बेटर है ये मोटरसाइकिल। लेकिन मेरा जो डिसलाइक है ना कि कॉपी क्यों करा यार, अपनी चीज़ बना देते। कॉपी करने की वजह से ना होंडा इसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे पाया जो होंडा जाना जाता है जिसके लिए। 350 cc का अगर कोई होंडा इंजन बनाएगा तो वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो बिल्कुल करेगा ही करेगा यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। होंडा ने ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी यार, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ होंडा ने होंडा हाइनेस बना दिया, वो एक इंजन उन्होंने कहा कि अच्छा इंजन है, रॉयल इनफील्ड की नकल उतार दी, रिफाइनमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, एक इंजन रेडी कर दिया। अब होंडा ने वही सेम इंजन लगा दिया CB350 RS में, वही सेम इंजन लगा दिया उसने CB350 जो नई वाली गाड़ी आई है। अरे मतलब थोड़ी सी ट्यूनिंग कर देते, थोड़ा सा इंजन को थोड़ा सा अलग ट्यून कर देते, थोड़ा सा गियरिंग रेशियो चेंज कर देते, ये जो चेन स्प्रॉकेट है उसमें एक टीथ कम कर देते, कुछ तो कर देते, कुछ तो डिफरेंस देते, कुछ तो वेरिएशन देते। नहीं, कहते नहीं डिज़ाइन हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इंजन सेम रहेगा। और मेरे से ना मतलब इतने लोगों को इतना कंफ्यूज कर रहा है ये चीज़, कंफ्यूजन किस बात का, तीनों मोटरसाइकिल में सेम इंजन लगा हुआ है। पूछो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगी। जितनी स्पीड आपको ये मोटरसाइकिल देगी उतनी हाइनेस देगी, उतनी आपको RS देनी है, उतनी आपको CB350 देनी है जो नई वाली आई है, क्योंकि इंजन सेम है, गियरिंग रेशियो सेम है, बस थोड़ा सा टायर आगे पीछे बदल दिया, थोड़ा सा अलग लुक दे दिया, थोड़ा सा सेटिंग स्टांस अलग दे दिया, तो एंगेजमेंट अलग हो जाता है बस। होंडा मीन्स क्वालिटी, होंडा मीन्स रिलायबिलिटी, ये तो हमेशा से ही था ना। अब क्रिएटिविटी कहाँ चली गई यार, किसी और का मार्केट कैप्चर करने का तरीका है ये या मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई। तो एक लाइक हो गया, एक डिसलाइक हो गया। दूसरी चीज़ ना, इसका ब्रेकिंग एंड इंजन ब्रेकिंग, मैं ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग को साथ ही बोलूँगा, बिकॉज
मैं अपने ब्रेक्स बहुत कम यूज करता हूँ, इंजन ब्रेकिंग पे ज्यादा रिलाई करता हूँ टू स्टॉप या टू स्लो डाउन द मोटरसाइकिल, स्लो करने के लिए। स्टॉप तो नहीं हो पाएगी इंजन ब्रेकिंग से, बट यस इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी को रोकने की कोशिश करने में। होता क्या है ना, पीछे वाले इंसान को पता नहीं चलता कि आप स्लो होने वाले हो बिकॉज ब्रेक लाइट नहीं जलती पीछे वाली। हाँ आई नो, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि इसके ब्रेक्स नहीं चलते ज़्यादा, इसके ब्रेक्स ख़राब है, इसका ब्रेक ऐसा है, जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई और रिप्लेसमेंट सजेस्ट करो, ये करो वो करो। तो देखो मैं ना ऑथेंटिक बंदा हूँ, मैं तुम्हें वो बताऊँगा जो मैं करता हूँ, मैं तुम्हें वो सब नहीं बताऊँगा जो मुझे पता है लोग करते हैं या क्या। यहाँ पे देखो ट्रैक्शन छोड़ रहा था बार बार पीछे वाला टायर, तो मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लेना चाहिए था, बट ठीक है ये रोड बहुत ईजी था, डरावना कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसलिए ऐसे छोड़ दिया। नॉर्मली अगर ऐसी रोड आती है तो मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ। हाँ तो मैं ब्रेक के बारे में बता रहा था, जो मेरा ब्रेक पैड है ना आगे वाला, वो 22,500 किलोमीटर चला पहली बार रिप्लेस होने से पहले, और उसमें 200-300 किलोमीटर बचे हुए थे तब भी, और अभी 35,000 किलोमीटर पर हम 35,521 घर पहुँचते 36,000 हो जाएंगे। नहीं अभी तक सेकेंड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है आगे वाले ब्रेक पैड की। जो पीछे वाला मेरा ब्रेक पैड है वो दो बार रिप्लेस हो चुका है, एक बार रिप्लेस हुआ था 12,500 किलोमीटर पे, दूसरी बार रिप्लेस हुआ था 27,500 किलोमीटर में, ये भी सर्विस इंटरवल्स के दौरान ही हुआ था। और जब दूसरी बार और पहली बार रिप्लेस हुआ था ना, दोनों बार 200-300 किलोमीटर बचे हुए थे उसमें, तो मेरे को ना बढ़िया लगी ये चीज़। इसका जो आगे वाला ब्रेक है उसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मेरी तो जान बचाई है उसने बहुत बार, मैं सच बता रहा हूँ बाबा। और इसकी ना स्टेबिलिटी और हैंडलिंग इतनी मस्त है ना, मतलब पॉट हॉल में मैं डाल देता हूँ गड्ढों में इसको, जानबूझ के डाल देता हूँ कभी कभी कि कुछ नहीं होगा, निकल जाएगी आराम से। तो ये सीन भी है, इतनी स्टेबल है मोटरसाइकिल, इस पर आप रिलाई कर सकते हो आँख बंद करके, मैं करता हूँ। अच्छा तो ये मेरा हो गया दूसरा लाइक। जो मेरा दूसरा डिसलाइक है ना वो है इस मोटरसाइकिल का माइलेज, इसका कैरेक्टरिस्टिक। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो 70 की स्पीड पे 80 की स्पीड पे चलाता है और बहुत स्मूथली बहुत सॉफ्टली बहुत जेंटली चलाता है मोटरसाइकिल को, इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए यूज़ करता है सिर्फ। नहीं मैं वो बंदा हूँ जो ट्रैवल करने तो निकल जाता हूँ, जैसे मान लो मुझे सिक्किम जाना है, मुझे मेघालय जाना है, मैं निकल जाऊँगा, मैं सिक्किम पहुँच के क्या करूँगा वो मुझे नहीं पता, मुझे राइड करने में मज़ा आता है, मैं स्पिरिटेडली राइड करता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं स्पिरिटेडली राइड नहीं कर पाता मोर ऑफ्टन देन नॉट, और वो मेरे थॉट प्रोसेस या मेरे माइंड और मेरे मेंटालिटी की वजह से होगा। आई टेल यू होता क्या है ना, जब भी मैं इसको एक्सलरेट करता हूँ, एब्रप्टली तो नहीं, कभी भी करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ। इसका मैंने रियल टाइम ऑन कर दिया, अब जैसे मैंने ऐसे एक्सलरेट करा 14.7, अब मैंने थोड़ा सा और एक्सलरेट करा वो नीचे जाएगा, जब मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा तो फिर वो इको मोड दिखाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे को ना खेलते रहना पड़ता है अपने थ्रॉटल के साथ। अगर मैं 80-90-100 की स्पीड पे चला गया, मैं 110 चला जाता हूँ, 120 चला जाता हूँ खींचकर, तो मोटरसाइकिल 22-23 kmpl की एवरेज माइलेज रिटर्न करती है, विच इज़ बैड। मैं बताऊंगा आपको वो भी क्यों। और अगर मैं इसको 80 की स्पीड पे चलाऊं एकदम प्यार से आराम से तो ये मेरे को 45 का भी माइलेज दे देगी। 45 मतलब 45 kmpl। ये मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करा है कि जो नंबर्स होते हैं वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया करो, बिकॉज नंबर्स आर रियली हार्ड टू पिक अप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना माइलेज इसकी नहीं है मेरे लिए ठीक, मेरा डिसलाइक है। देखो अब बात यह है कि अगर मैं चला रहा हूँ इसको अपने मन मर्जी से चला रहा हूँ, मेरे को कहीं पहुँचना है यार, कल भी ना मैं जल्दी पहुँच सकता था यहाँ पे, मैं कॉन्शियसली देखो आगे जाता हूँ और फिर मैं छोड़ देता हूँ इंजन ब्रेक ताकि माइलेज थोड़ा सा आए, अपने आप ही को मोड आएगा, माइलेज बढ़ता है, एंड देन मैं एक्सलरेट करता हूँ, देखो 19, एंड देन मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ कि माइलेज बढ़ जाए। तो मेरे को खेलते रहना पड़ता है थ्रॉटल से, ये मुझे नहीं पसंद यार। मतलब एक तो ये 120 तक आराम से पहुंचती है, उसके बाद इसको खींचना पड़ता है, जाती है 140 तक, और अगर 130-140 पे चलाओ तो 22 की एवरेज देगी। अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है 22 की एवरेज से, समझो मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं RC 390 लेता हूँ तो 120-140 की स्पीड वो आराम से करेगी, आराम से। थोड़ा सा तेज भगाते यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा था ना कि स्पीड पहुंचने में ना टाइम लेती है, मैं चाहता था कि होंडा इसको अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक दे
और थोड़ी सी क्विक होती है मोटरसाइकिल, तो मुझे और मज़ा आता। अगर मैं अपने एक और डिसलाइक के बारे में बताऊं तो देखो, इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम तो होती है ना, प्रॉब्लम्स रियल है, जो मड स्प्लैशिंग है, जो पानी उछल कर आता है, यहाँ तक आ जाता है, पीछे से भी आता है पानी, वो सब चैलेंजेस रियल है, सबको होने वाली है। तो अगर होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई है तो होंडा को पता है ना कि ये सब प्रॉब्लम्स है उस मोटरसाइकिल में, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्हें सोचना चाहिए था ना इस बारे में। डिज़ाइन देखने में बहुत प्यारा है लेकिन पर्पसफुल भी तो होना चाहिए ना। तो ये मेरा एक डिसलाइक है, लेकिन मैं अभी ना एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको, शायद ये डिसलाइक लाइक में कन्वर्ट हो जाए। होंडा ने इस मोटरसाइकिल को एक ऐसे इंटेंशन से बनाया हो शायद कि वो स्क्रैम्बलर लुक दे। अब जो स्क्रैम्बलर होती है ना, वो डर्ट मोटरसाइकिल्स की तरह ही होती है ऑलमोस्ट। मैं 100% श्योर नहीं हूँ और 100% है भी नहीं वैसा, दोनों अलग अलग तरह की मोटरसाइकिल है। लेकिन जो डिज़ाइन लैंग्वेज दिया है, डर्ट मोटरसाइकिल्स जो होती है ना वो गंदी होती है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज वो वैसी है। तो शायद होंडा चाहता था कि वही डिज़ाइन लैंग्वेज इसमें रखे, ताकि ना ये अपील करे उन लोगों को जो अपनी मोटरसाइकिल उस तरह की चाहते हो। जैसे देखो, मैं नहीं रेगुलरली अपनी मोटरसाइकिल को धोता, मैं मोटरसाइकिल को रेगुलरली साफ़ नहीं करता। मैं अगर मोटरसाइकिल को क्लीन भी करता हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है साफ़ करने की, वहाँ वहाँ करता हूँ सिर्फ। जैसे मैं एक दो चीज़ें बताऊँगा जो मैं करता हूँ, जिसकी वजह से इसका ब्रेक्स जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। आई विल शेयर सम सीक्रेट्स, ओके। ये जो बैटरी है इसकी, जो बैटरी ऑपरेटेड मोटरसाइकिल्स होती है, वो क्यों नहीं पसंद? देखो बाबा, 1500-1600 रुपए की चीज़ है एक बैटरी, एक छोटी सी चीज़, अगर वो ख़राब हो जाती है, उसमें थोड़ा सा पानी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा लीकेज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपकी मोटरसाइकिल बंद, आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर स्टक, एक जगह स्टक हो गए आप, अब क्या। हेलो सूरज, हाय, आई एम अ सन चाइल्ड, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि यार, किक वाली मोटरसाइकिल्स मुझे बहुत पसंद है। किक वाली मोटरसाइकिल्स में ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आपकी मोटरसाइकिल 3-4-6 महीने तक भी बंद हो ना, आप उसमें जो चौक का फीचर होता है, चौक खींचो, 2-3 बार किक मारो, थोड़ा सा उसको गर्म करो, एंड ऑल सेट, मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बिना चौक खींचे भी हो जाता है 3-4 बार अगर किक ट्राई करते रहो तो, अपने आप ही। मैं बहुत मिस करता हूँ वो फीचर। इनफैक्ट जो भी नई मोटरसाइकिल्स आ रही है उनमें वो फीचर है ही नहीं किक का। मतलब लोग चाहेंगे इस मोटरसाइकिल को दूर दूर ले जाना, अननोन टेरिटरीज में, ठंड में, आइस कोल्ड वेदर में, तो अगर एक किक दे देते ना, मजा आ जाता है इस मोटरसाइकिल में। ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल तो है नहीं, तो किक क्यों नहीं दिया,